ये लो खाओ, ये हो ऐश कर। चलो भाई इसके तो आज की डाइट मिल गई है। वैसे ये जो है नीरा ही रोला है, ये इनकी समझ नहीं आती। ये देख रहे हो 2 किलो बाजरा था, 1 हफ्ता हो गया लाए हुए और ये हाल है। इनको पालने के बाद पता है मुझे अंदर से कैसी फीलिंग आ रही है, जैसे कि अरे तो लग गए। तो भाई ये वाली मुर्गी है वो जिसका मैं बिठाने वाला हूँ कुड़ों पे, इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी मैं आपको इसके अंडे दिखाता हूँ कि कितने अंडे हो गए इसके। ये हैं इसके अंडे, ये वाइट वाइट वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंडे इसके हैं। और ये जो 5 अंडे हैं ये वो ब्लैक वाले के हैं। एक तो यार इन मुर्गियों की वजह से मैं बहुत तंग आया हूँ, ये जो है ना उधर चली जाती हैं और वहाँ जाके जो है ना नेवला आके इनका शिकार करके वो गटर के अंदर गया। अच्छा तो दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये जो कुत्ता है ना जो काला है ऑलरेडी, ये गर्मी से और काला ना हो जाए कल को इसको फिर किसी ने कुत्ती भी नहीं देनी। हम नहीं देगा, भूल जावे। जब इसके लिए हमने वहाँ बनाया है जगह तो ये वहाँ पे नहीं बैठता है। अब ये काला हो गया धूप में तो इसको कौन फेरन लवलियाँ लगाएगा। तो खलील साहब के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया है, कहते कि यार इसको गीला कर दिए, गीला कर। असल में इसको चाहिए जगह ठंडी, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ ताकि जगह ठंडी हो जाए। ठीक है तो फिर ये आके खुद बैठे रहे। क्या बात है, चल आ जा कुत्ते, चल चल। मैं नहीं जाऊंगा। वैसे एक बात बताऊं, उस दिन बच्चों के पेपर लेकर भाग आया था। इसके एक का नाम बताता हूँ आपको। यहाँ जो है ना मजदूर आते हैं काम करने, ठीक है, वो काम करके जो है ना अपना सामान घरों में ही छोड़ जाते हैं। एक दिन मैंने देखा भाई इधर एक जूता पड़ा हुआ है, अगले दिन मैंने उठ के देखा तो एक और जूता ही पड़ा हुआ। ये किसी घर से किसी मजदूर के जूते उठा के दोनों ला के इधर रख दिए इसने, फिर यही काम उल्टे पुल्टे काम करता रहता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पड़े गए छुपा इधर, चल भाई वो देख तेरी फेवरेट जगह, इसको गुदगुदी करते हैं क्या पता चले जाए। अंदर कर उसको, अंदर कर, धक्का मार के अंदर। फिर निकले। सिट डाउन बड़ी, सिट डाउन। हाँ ये हुआ अमेरिका का कुत्ता है, सिट डाउन बड़ी है, ये बैठ जाएगा। तो इसको साफ भी करना है। ये इतनी सी जगह से भी निकल आया। तो यार उस डोगी को तो अकल बिल्कुल ही नहीं आने वाली, वो तो बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा कि मैं वहां जाके बैठ दूंगा। हम उसको अंदर करें वो बाहर निकले, अंदर करें वो बाहर निकले, इतनी सी जगह के अंदर से बाहर आ गए वो। अब क्या बोले बंदा, उसे कुछ भी नहीं बोल सकते, कुत्ता जो है। तो हमने उसको उसके हाल पे छोड़ दिए क्योंकि टाइम होने वाला है जुम्मे का। फिर खलील जा रहे फिर मुर्गे को पकड़ के लाते हैं, अभी चेक करना जरा। खलील जा रहा है भी एक लड़की को डेट करने, हम देखते हैं। डेट में तो नहीं है, गाड़ी में बैठाऊंगा भाई डेट। अच्छा अच्छा भाई ये गाड़ी में बिठाने जा रहा है, ठीक है, लड़कियों को इसको नया शौक चढ़ा हुआ है आजकल। बोलो ये तो रास्ते में कांटे बिछा रहे, इसको जलन हो रही है। और साग सड़ते हुए क्या हमारे पास एक भी नहीं है और ये शायद गाड़ी में लेके घूम रहे। वो आ गई बस बस बस, स्टेमिना बड़ा है, एडजस्ट स्टेमिना बड़ा है, कब से पैदल घुमा रहा है मुझे गोरा और तखा। अच्छा। ये जरा थोड़ी सी बात करें ना मेरे साथ फिर। ये नखरे दिखा रही है, छोड़। वो देखो दूसरा देख देख के जा रहा है, छोड़। मैं भी उठा रहा है। ये इसी का इंतजार कर रही है खलील का। वो बोलती है हट मारा तू कोना भूती। आ रही नहीं आ रही, फ्रंट से आएगी। ये आ रही है यार, ये काली कलोटी तेरे नसीब में थी। ये चलती मोहाली लग रही मुझे, देख शक्ल देख, मैं इसकी टंग मर्दों वाली है, पता नहीं विग लगा के आई हुई है क्या करके आई हुई। यार उस टाइम बैठी थी अच्छी खासी। अबे गाड़ी तो कोई सही से पकड़, मैं लेके जा रहा है लड़की को, गाड़ी ठीकड़ी पकड़ी हुई है। ये बात भी तेरी सही, वो गाड़ी सही गाड़ी के आगे करो इसकी, देख आंखें देख, मैं इसकी टंग, वो स्नेल नहीं होता वो लग रहा है। ले भी किससे रहे, इसको खाने जा, वो दूसरा बैठा हुआ है अंदर, जब ये बैठा रहेगा तो मेरे पास कौन आएगा, कौन है वो है ना।
गाड़ी उतार दिया जिसके पीछे घूम रहे जिसके पीछे घूम रहे उसी को उतार दिए सही जा रहे तो हर चीज इसने मार उतार दी यही है अभी ये भी लड़की है क्या हुआ कि ट्राउजर पहन उस पे गाड़ी चढ़ा दी वही लोटा लाके दे ओ खड़ी होगी सुन रही ओ ओ अबे तू दो मिनट होता है यार आ गई मिल गई गाड़ी की बूबी क्या पड़ रहा है कहाँ है अभी क्या अब किसको मार वो साइकिल आ गई साइकिल सबर इसको मारने दे पहले मारने दे इसको अबे मासूम है अबे पुलिस वाला भी मार रहे ना मारने दे छोड़ साइकिल पकड़ के जा तू क्या कर जाने दे मुझे साइकिल पकड़ के अबे क्या कहे बंदे छोड़ ही नहीं रहे ये ले वो ले वो गाड़ी वाले पे आ गए सबर सब इसने कुछ चीट कोड लगाया है अब देखते हैं क्या करना चाह रहे हैं इसका मारा सबर होगा ऐसा दो मिनट सबर कर के क्या करना चाह रहे अबे कौन से आए ऐसे स्टैंड तो जापान वाले भी नहीं कर सकते इमेजिन करो अगर ये रियल में होता तो बंदे का क्या हाल होता मैं तो कहता हूँ ये सीट ही उसके अंदर घुस जानी थी यार खलील ने बच्ची बिठा ली है गाड़ी में और वो जा रहा है लॉन्ग ड्राइव में तो जिस जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह है ना अभी जाके सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं और शेयर करना मत भूलिएगा अल्लाह